वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग स्टार्ट होता है गोलगप्पे से। इनको नाश्ता करने का दिल चाह रहा था, इन्होंने बोला भाई नाश्ता मैं गोलगप्पे से करूंगा। मैंने बोला यार गोलगप्पे से कौन नाश्ता करता है। और टाइम आपको पता क्या हो रहा है, पौने दस बज रहे हैं, पौने दस बज रहे हैं। तो हमारा जो है गोलगप्पों का नाश्ता होगा इनकी एंट्री बिना हंगामे के हो ही नहीं सकती, हंगामा लाजमी होना चाहिए इनकी एंट्री में। तो हम जा रहे हैं नूर मस्जिद गोलगप्पे खाने के लिए। हम पूरे जहान के व्लॉग बनाते हैं, तो आज जो है अपने एरिया में इतना अच्छा गोलगप्पे वाला है नूर मस्जिद पे, तो हम उसका व्लॉग बनाएंगे और उसका रिव्यू देंगे। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, अब हम आपको बताएंगे जाकर कि कैसा है। ये एक बंदा और भी आप एटीएम में फंसा हुआ था, तुम अंदर ही जाओ। मैं मुल्तान के स्पेशल गोलगप्पे पे, और यहाँ पे जो है प्लेट का क्या हिसाब किताब है। उस्मान तुम तो पूरी एक खाओगे क्योंकि तुम्हें नाश्ता करना है गोलगप्पों से। बिल्कुल बिल्कुल। और वासिफ यासिर जो है वो चखेंगे, तो मैं भी चखूँगा बेसिकली। तो भाई जान हमारे लिए गोलगप्पों की प्लेट लगा दीजिए। कितने कितने वाली है? 160 के 12, 80 के 6। एक 12 वाली प्लेट लगा दो और एक 6 वाली प्लेट लगा दो। सही है भाई, अपने गोलगप्पों की तैयारी शुरू। अच्छा मसाला अपने में भी नॉर्मल रखिएगा। फर्स्ट बाइट फर्स्ट इम्प्रेशन उस्मान लेगा। उस्मान को जो है चाहती हैं कि गोलगप्पे खाने की। पहले उस्मान का रिव्यू देंगे। बहुत मज़े के हैं। मतलब किस तरह से चटनी स्पेशल है, क्या इसकी क्या मतलब लवाजमत स्पेशल है? जो सॉसेज डाले हैं उन्होंने, जो चटनियाँ डाली मैंने अलग अलग दो तीन किस्म की, बहुत मज़े की हैं वो। हम लोग इतनी दूर दूर खा कर आए हैं, इससे बेहतर हम यहाँ के गोलगप्पे हैं। वाकई में यार, अगर आपके बगल में कोई चीज़ मौजूद होती है और आपको पता नहीं होता और आप दूर दूर जा रहे होते, यही मतलब इसका कहने का मकसद है कि अब हमारी बारी है, हम रिव्यू देते हैं। वाकई में यार अपने एरिया में इतनी अच्छी चीज़ मौजूद थी और हम ये खाते ही नहीं थे। लिटरली हम दूर दूर जाके ब्लॉग बना कर आए हैं, दूर दूर जाके, और हम यहाँ से 10 दफ़ा गुजर चुके हैं। इस ठीक को देख भी लिया लेकिन हमने कभी खाया नहीं, आज हमने खाया। इसका रिव्यू दे रहे हैं भाई, बेहतरीन जो है गोलगप्पे ही है। अब किसकी बारी है भाई? यासिर वासिफ यार, मैं तो गोलगप्पे खाते रिव्यू नहीं दे सकता, मैं इसका कोई ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दे सकता क्योंकि मैं गोलगप्पे खाता नहीं हूँ शौक से। वासिफ भाई क्या तासुरात है? वासिफ भाई के तासुरात ये हैं कि वासिफ भाई चलो खुद ही बता, जो बात है मज़ा आ गया। मुझे पता नहीं था अपने इलाके में इतने ज़बरदस्त गोलगप्पे वाले बैठ चुके हो तुम इससे पहले। कितनी बार? 3 बार। तुम्हारे साथ ही खाएंगे। अच्छा रिव्यू तो दे दो, पकड़ो तो मैं दोबारा। मैं क्या रिव्यू दूँ यार, गोलगप्पे मजाक कर रहा हूँ, मैं खाता हूँ। मुझे सिर्फ चाट वाली कैटेगरीज में गोलगप्पे ही अच्छे लगते हैं, वो भी ये खट्टे वाले या पानी, ये जो वाला पानी होता है ये वाले नहीं, मीठी चटनी वाले अच्छे लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। भाई इसका पानी जो है ना बड़ा मज़ा, हम इसके खट्टा मीठा, मतलब हमारे इलाके में इससे मतलब बहुत टाइम पहले से, बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं। दाखाने के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, तो हम लोग वहाँ के बहुत शौक से खाते थे। लेकिन अब हमने जब वहाँ पर ट्राई किया था जाके लास्ट टाइम, तो बिल्कुल ही मैार वहाँ का गिर चुका था, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, बहुत बहुत डिसअपॉइंट। उससे ज़्यादा हम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ जाके मस्कन। ये बात तो बिल्कुल सही है, मेरी बात आपने काट दी, सॉरी। आपकी बात कंटिन्यू है। हाँ तो खैर ये अलनूर वाला हमारे इलाके में काफ़ी टाइम हो गया खुले हुए, और इसके अच्छे होते हैं गोलगप्पे, पूरे इलाके के लोग यहाँ से खा रहे होते हैं। मैंने पहले ट्राई करे हैं घर पर, तो ये अच्छे हैं गोलगप्पे इसके, काफ़ी मतलब मीठा वाला ही खाया मैंने, ये वाला ट्राई नहीं करा। तो जैसे मुझे डाक खाने के पसंद थे ना, वैसे ही उसी लिहाज से ही उतने अच्छे हैं। लेकिन बस एक चीज़ है, ठंड हो रही है ना, तो उस वजह से थोड़े से ठंडे ठंडे लग रहे हैं, लेकिन अच्छे हैं। लेकिन यार ठंड में भी जो है ना, इसके पानी के साथ जो है एक नेक्स्ट वाइब आती है, हर मौसम में इसकी जो है ना वाइब चेंज हो। हाँ फिर गला ख़राब हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम रहोगे 2 दिन तक गला खराब। मतलब बारिशों में एक अलग ही इसकी वाइब आती है, सर्दियों में खा रहे हैं उसकी अलग वाइब है, और गर्मियों में तो आपको पता है कि चीज़ बिल्कुल लाइट होती है, मज़ा देती है। कोई गर्म चीज़ खिला दो फिर, सूप पी लो। अच्छा अपना स्टार्टर गोलगप्पे हो गया ना, अब सूप भी एक ट्राई कर लेंगे, फिर खाना खा लेंगे, पूरा ब्लॉग बन जाएगा ना। उस्मान को असल में दावत में जाना है, और उस्मान की दावत कैंसिल है।
उस्मान ये तैयार हो गए सिर्फ इस वजह से आया, इसको दावत में जाना है, मैंने ज़बरदस्ती तैयार करवाया है, तैयार नहीं हो रहा था ये। ठीक है, मेरा नाश्ता बहुत अच्छा हुआ है आज, नाश्ता बेहतरीन हो गया, बिल्कुल लाइट नाश्ता है डाइट के हिसाब से। मशहूर गोलगप्पे जब पूरे ख़त्म करें। अस्सलाम वालेकुम हजरत, हमें यहाँ पे हो गए 6 साल हो गए। 6 साल नाजमाबाद में? नाजमाबाद में 6 साल हो गए ठेले को लगाए हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्पॉन इतना अच्छा मिला है। हम यहाँ पे पहले हमने 2 दुकानें थी हमारी नाजमाबाद 2 नंबर और यहाँ पे, और यहाँ पे हमें स्पॉन बहुत अच्छा मिला है जिसकी वजह से हमने यहाँ जायका दी है। तो सबसे बड़ी बात हमने नीयत अच्छी रखी है, इंशाल्लाह आप गोलगप्पे हर जगह खाएंगे मगर जायका जो है वो आपको कहीं कहीं मिलेगा। वाकई में बंदा जो है जायके के चक्कर में ही आता है। अच्छा ये बताएं गोलगप्पे की चटनी और गोलगप्पे ये सब चीज़ें आपने मतलब घर में ही तैयार करते हैं, क्या तरीका क्या है, मतलब किस तरह से? हमारे पास 3 किस्म की चटनी है, रायता और मुल्तान की स्पेशल चटनी मिर्चों वाली जिसमें 7 मसाले डलते हैं, और पुदीना सौंठ का पानी है, टाटरी की कोई मिलावट नहीं है। बेहतरीन, इंशाल्लाह आप एक दफ़ा आएँ जायका चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, अब बार बार खाएंगे। अच्छा कराची के बंदे का यही होता है कि यार टेस्ट जहाँ पर मिलता है ना वो चाहे दूर भी हो बंदा चले जाता है, तो वाकई में मैंने देखा है, मैं इस रोड से बहुत दफ़ा गुजरा हूँ और मैंने ये बहुत दफ़ा लगा हुआ स्टॉल देखा, लेकिन आज पहली दफ़ा ट्राई किया तो वाकई में यार लाजवाब थे, मज़ा आ गया। उमर भाई आपने ये जो गोलगप्पे ना खिला के हमें बेहतरीन कर दिया, अब इंशाल्लाह हम जो है जी जी आप मुल्तान से हैं? जी सर मुल्तान से। अच्छा तो आपका मतलब पहले इसी एरिया से शुरू किया है, पहले आप कहीं और लगाते थे गोलगप्पे? इसी एरिया से शुरू किया। अच्छा इसी एरिया से शुरू किया आपने स्टार्टअप लिया, और आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला, आप कहीं यहाँ से जाएंगे ना, आप हमारे नाजमाबाद की शान है, लोग दूर दूर से खाने के लिए आएंगे ब्लॉग देखने के लिए इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, आज हमें याद दीजिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।